गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज पवन मिश्रा एंड यू आर वाचिंग ऑटो ट्रिप। तो दोस्तों, लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम सोमेश्वरा टेंपल गए थे और वहां पर दर्शन किया, वहां की सारी जानकारी इकट्ठा की कि कैसे और कब वो मंदिर बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, क्या क्या विशेषताएं उस मंदिर की। उसके बाद हम आ गए कोलारम्मा टेम्पल, जो कि पास में ही है, 300-400 मीटर का डिस्टेंस है। तो हम मंदिर के आंगन में आ चुके हैं और अब यहाँ की यात्रा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मंदिर में क्या क्या है। तो आइए, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये है मेन एंट्रेंस जिस पे लिखा हुआ है कोलारम्मा टेम्पल इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा लैंग्वेज में, और बगल में ये बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है कि ये प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है और अगर इसे कोई कुछ नुकसान पहुँचाता है तो 1,00,000 का फाइन देना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं मेन मंदिर की तरफ। और ये है इसका हॉल और सामने वो इसका कोर्टयार्ड दिख रहा है और एक ये पुराना पिलर हम लोग देख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर लगता है हिस्ट्री लिखी हुई है मार्बल पे। तो आइए पहले मंदिर के चारों तरफ घूम लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो कोलारम्मा टेम्पल भी 2000 साल पुराना है सोमेश्वरा टेम्पल की तरह। इसको भी चोलास के राजाओं ने बनवाया था, राजेंद्र चोला उनका नाम था। मैसूर के जो राजा थे वो यहाँ पर अक्सर आते थे कोलारम्मा देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो पार्वती जी का ही रूप है कोलारम्मा जी। और इसके अलावा यहाँ पर एक चेलम्मा देवी का भी टेंपल है, उनका मंदिर है, स्पेशली उन्हीं के पास में, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। तो कहते हैं कि वो स्कॉर्पियन गॉडेस मानी जाती हैं और जो उनकी पूजा करता है उन्हें बिच्छू नहीं काटता है। तो दोस्तों, ये जो सेंटर में टेंपल के हैं, देर इज ए सप्तमर्तिकास, देर आर 7 मदर प्लेस्ड इन ए सिग्निफिकेंट की पोजिशन। ऐसा भी मेंशन है कि देर आर 13 इंस्क्रिप्शन इन कन्नड़ा एंड तमिल लैंग्वेज। वो तो मुझे अभी तक दिखा नहीं या मैं पहचान नहीं पाया। फिलहाल आगे चलते हैं। तो दोस्तों, कैमरा ज़्यादा अंदर तक अलाउड नहीं है, जहाँ तक अलाउड है मैं ट्राई करता हूँ अंदर जाने का। तो कहते हैं जो मेन देवी है इनका नाम है महिषासुर मर्दिनी, और जिनको यहाँ के लोकल लोग कोलारम्मा के नाम से जानते हैं, एंड शी इज़ एन 8-आर्म्ड गॉडेस दुर्गा। तो कहते हैं कि यहाँ पर अंदर एक मिरर लगा हुआ है जो कि मूर्ति के अपोजिट में है और भक्त लोग मिरर को देखकर ही पूजा करते हैं, और मंगलवार और फ्राइडे को एक स्पेशल पूजा की जाती है। तो आगे चलते हैं। तो ये है माता पार्वती कोलारम्मा देवी, आइए इनके दर्शन करते हैं, पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये राइट में है वो चेलम्मा देवी का मंदिर जिसके बारे में आपको बता रहा था कि जो बिच्छू की देवी मानी जाती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हम ये दो पाँव के निशान देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक हुंडी है और ऐसा माना जाता है कि जिसमें एक नीचे बहुत बड़ा कुआं है और उसमें अगर हम एक कॉइन गिराते हैं और कोई विश मांगते हैं तो पूरी होती है, और वो कॉइन कई सालों से वहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है। फिलहाल अब इसे बंद कर दिया गया, पंडित जी ने कहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कोलारम्मा टेम्पल का दर्शन हमने किया, उनके बारे में जो जो भी बातें थी मैंने आपको बताई। कोलारम्मा कोलार की देवी मानी जाती हैं, माता पार्वती का रूप है, और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद अब हम अवनी टेम्पल के लिए निकल रहे हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, इस वीडियो में इतना ही। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।